नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक योग के बारे में, एक राजयोग भी कह सकते हैं, शुभ योग कह सकते हैं। इस योग के बारे में बात करेंगे। मित्रों, ये योग कब बनता है? एक व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में सफल हो, चाहे वो कोई नौकरी कर रहा है या फिर वो व्यापार कर रहा है, तो वो चाहता है कि उस कार्य में वो सफल हो, चाहे वो उच्च पद पर हो या फिर वो कोई व्यापार कर रहा है, तो वो उस व्यापार में या अपने पद पर आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके लिए मित्रों, आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति की सोच समझ, सूझबूझ, रणनीति ये होना जरूरी है। व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर ही आगे बढ़ता है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा करे जिससे कि वो आगे बढ़े, और वो एक रणनीति बनाता है, कुछ प्लानिंग करता है आगे बढ़ने के लिए, अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कोई ना कोई प्लानिंग करता है, रणनीति बनाता है। पर मित्रों, वो कब सफल होता है? जब उसकी प्लानिंग जो है वो सही होती है, उसकी बुद्धि जो है वो व्यापारिक बुद्धि होती है, वो अपने पद का सही इस्तेमाल करे, तभी जाकर वो आगे बढ़ता है। तो मित्रों, ऐसा योग कब होता है और ये योग कैसे देखेंगे? तो जन्म कुंडली में हम ये योग जो है वो पंचम भाव से देखेंगे। जन्म कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश को देखना होगा, तभी जाकर ये योग जो है हम देख पाएंगे कि व्यक्ति जो है वो सफल होगा या नहीं होगा, वो अपनी सूझबूझ से अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा, ये हमें देखना है। तो हम पंचमेश की स्थिति को समझ के ही देख पाएंगे। तो मित्रों, ऐसा योग हम कैसे चेक करेंगे, यानी पंचमेश कहाँ पर हो तो वो जीवन में सफल होगा, पंचमेश की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए बात करते हैं, एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ, उस चार्ट के माध्यम से हम यह देखेंगे कि पंचमेश की क्या स्थिति होगी, तभी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यापार में सफल होता है या अपने पद पर जल्दी उसका प्रमोशन हो जाता है। तो मित्रों, मान लीजिए कि जन्म कुंडली में यहाँ पर कोई भी संख्या हो, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कोई अगर एक नंबर है यहाँ पर पंचम भाव में, अगर एक नंबर है तो पंचमेश होगा मंगल ग्रह। अगर आठ नंबर है, अगर यहाँ पर आठ नंबर है तो भी पंचमेश होगा मंगल ग्रह। अगर यहाँ पर दो नंबर या सात नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे शुक्र ग्रह। अगर तीन नंबर या छह नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे बुध ग्रह। यहां पर अगर पांच नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे सूर्य, और यहां पर नौ नंबर या बारह नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे गुरु ग्रह, और इन नंबर के अलावा यहां पर दस नंबर या ग्यारह नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे शनि ग्रह। अब मित्रों, आपने जान लिया कि यहाँ पर एक नंबर या आठ नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे मंगल ग्रह, पांच नंबर लिखा है तो पंचमेश होंगे सूर्य ग्रह, नौ नंबर या बारह नंबर है तो पंचमेश होंगे गुरु ग्रह, सात नंबर या दो नंबर है तो पंचमेश होंगे शुक्र ग्रह, तीन नंबर या छः नंबर है तो पंचमेश होंगे बुध ग्रह, और दस नंबर और ग्यारह नंबर है तो यहाँ पर होंगे पंचमेश शनि ग्रह। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश कहाँ पर बैठे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश इस भाव में, यानी छठा भाव है जन्म कुंडली में, ये छठा भाव होता है, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी है, और ये होता है आठवां भाव, तो जन्म कुंडली में पंचमेश यहाँ पर या फिर जन्म कुंडली के बारहवें भाव में, यहाँ पर चाहे कोई भी संख्या लिखी हो, जन्म कुंडली में पंचमेश, आपको मैंने बता दिया कि पंचमेश कैसे देखना है। अब पंचमेश जन्म कुंडली में छठे भाव में, आठवें या बारहवें भाव में हो, या फिर पंचमेश जो है अपनी नीच राशि में हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी सूझबूझ से काम नहीं ले पाएगा, उसकी बुद्धि जो है वो व्यापारिक बुद्धि नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं हार जाएगा, उसे बार बार ठोकर लगेगी, पर वो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग हमेशा रद्द होती रहेगी। अगर पंचमेश छः आठ बारह में है या पंचमेश नीच राशि में है, तो पंचमेश अगर सूर्य होगा तो सूर्य सात नंबर में नीच का होता है,
अगर सूर्य जहाँ पर बैठा है वहाँ पर 7 नंबर है तो सूर्य नीच का हो जाएगा। इसी तरह अगर पंचमेश मंगल है तो 4 नंबर में मंगल होगा। पंचमेश यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर है और मंगल जहाँ पर है वहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो पंचमेश नीच में हो जाएगा। इसी तरह पंचमेश शुक्र ग्रह यानी 2 नंबर या 7 नंबर यहाँ पर लिखा है आपकी जन्म कुंडली में और पंचमेश शुक्र ग्रह 6 नंबर में हो, 6 नंबर शुक्र ग्रह जहाँ पर होंगे वहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो ऐसे में शुक्र नीच के होंगे, तो ये आपको देखना होगा। इसके अलावा बात करें तो पंचमेश शनि हो यानी यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है और शनि ग्रह 1 नंबर में बैठे हो, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि ग्रह हो तो शनि नीच के होंगे। इसी तरह आपको देखना है कि यहाँ पर अगर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश होंगे बुध ग्रह। तो बुध ग्रह अगर 12 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर बैठे होंगे बुध ग्रह तो बुध ग्रह नीच के हो जाएंगे। तो इस तरह आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश जो है वो कहीं नीच के तो नहीं है। अगर पंचमेश नीच के होंगे जैसे कि चंद्रमा 8 नंबर लिखा है वहाँ पर चंद्रमा होंगे तो ऐसे में चंद्रमा नीच के होंगे। तो ऐसे आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश की स्थिति क्या है। पंचमेश 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, बोले किसी भी राशि में हो। अगर पंचमेश 6, 8, 12 भाव में होगा तो ऐसे में पंचमेश जो है वो शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और पंचमेश किसी भी भाव में हो और अपनी नीच राशि में हो तो भी पंचमेश शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो मित्रों ये जानकारी थी मेरी ओर से, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।